नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ राजस्थान HM 2 सितंबर 2018 के फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन की आंसर की, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के नीचे लाल आइकन वाला सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और पास के बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है भूगोल का, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। ओके दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको मैंने कंप्यूटर और साइंस की आंसर की बताई थी, उनमें से मैंने दोस्तों गलती से दो क्वेश्चन गलत बता दिए थे जल्दबाजी में। यहां पे आपको करेक्शन कर देता हूं। एक क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें आपको दशमलव संख्या को 8-बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना था और संख्या थी आपके 187 थी, तो उसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। मैंने जल्दबाजी में 188 को कन्वर्ट कर दिया था, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था जिसमें आपके बाइनरी को सब्सट्रैक्ट करना था 100 में से 011, तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा 001। और एक साइंस का क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपके सबसे प्रबल अम्ल का पूछा था, आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए HClO4, यहाँ पे करेक्ट है। तो इन तीन क्वेश्चन में करेक्शन है, बाकी सभी मैंने सही बताए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन की तरफ। तो यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है, तो सही जवाब रहेगा धौलपुर जिला है वो आपके। नेक्स्ट यहाँ पे मालपुरा करौली मैदान भाग है, ये है दोस्तों चंबल बेसिन का भाग है। अगला आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों सही सुमेलित हैं, बाकी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर जिले में। ओके, और इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है, तो सही जवाब रहेगा 1901 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है, दोस्तों इसका मेरे को आंसर पता नहीं, यदि आपको पता है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है जिसमें आपके शस्य और किस्में दी गई हैं, इसमें से आपका कौन सा मैचिंग करेक्ट है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कूट है आपके, तो यहाँ पे आपके दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर दो है, वो आपके करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मक्का है ये आपके माही धवल करेक्ट है, और चावल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा डागर हो जाएगी, और बात करें सरसों की तो यहाँ पे हो जाएगा आपके वरदान, और चना है चना की हो जाएगी आपके दोहद येलो, यहाँ पे आपके ऑप्शन दो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लिस्ट दे रखी है जिसमें उद्योग और केंद्र दे रखे हैं, उसमें से कूट में आपको सही चयन करना है, तो आपके यहाँ पे सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, वस्त्र है विजयनगर, सीमेंट है मोडक, रसायन है गड़ेपान और इंजीनियरिंग है आपके भरतपुर। ओके, अगला यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा फेल्सपार है, ये डेगाना ये सुमेलित नहीं है, फेल्सपार आपके अजमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कितना परसेंटेज है, तो दोस्तों इसका मेरे को कन्फर्म नहीं है, यदि आपको कन्फर्म है तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना जरूर, क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट यहाँ पे झामर कोटड़ा खाने कहाँ पाई जाती है, मतलब जानी जाती है। ओके, झामर कोटड़ा खाने जानी जाती है, तो रॉक फॉस्फोर्ट के कारण जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, तो 29 डिग्री हो जाएगा आपकी देशांतरीय। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 8 राज्यों से। अगला आ रहा दोस्तों आपके, कुमाऊँ हिमालय नदियाँ के मध्य विस्तृत हैं, तो कुमाऊँ हिमालय है कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है, सही जवाब रहेगा सतलज और काली नदी। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, थाली कहलाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं उसको दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किस राज्यों में मिलती है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन चार, गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिम भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ओडिशा व आंध्र प्रदेश में रूपांतरित कृषि क्या कहलाती है, पोडू बोलते हैं दोस्तों इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में निम्नांकित
फसलों में से कौन सी का उत्पादन 2016-17 वर्ष की तुलना में 2017-18 में कम होने का अनुमान किया गया था? सही जवाब रहेगा वही चावल, सॉरी यहाँ पे गेहूं आपका करेक्ट हो जाएगा जिसमें से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब रहेगा तांबा, हट्टी और रामगिरी। ओके ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है? ओडिशा, ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है, ये है आपके कटक में। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे विश्व स्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड की स्थापना जर्मन के सहयोग से की गई है, ये आपका सही नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में है? आपके हो जाएगी दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लिस्ट दे रखी है जिसमें आपको कूट के रूप में यहाँ पे सुमेलित करना है, आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें ए है आपके 2 में मैचिंग होगी, यानी दस्त ए लूट है ईरान। बात करें यहाँ पे नूबियन मरुस्थल की, तो वो हो जाएगा आपके सूडान में। ओके और मोजा में मरुस्थल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, और रब अल खाली हो जाएगा सऊदी अरेबिका में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप विभक्त हैं? ये हैं दोस्तों डेविस जल डमरू मध्य द्वारा विभक्त। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों आपके यहाँ पे सवाना प्रकार की जलवायु विशेषत किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुरान है ये कनाडा, ये सुमेलित नहीं है, बुरान वैसे रसिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने साइंस और कंप्यूटर के आंसर की आपको बता दी है, आप देख सकते हो इससे प्रीवियस वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।